ये ब्याह भी वाला चोचला भाई फिलहाल उन्हें चाहिए नहीं अपने जीवन में ना। अगर आप मतलब बहुत कम डाइट में बहुत मेहनत करने लग रहे हो ना तो भाई आप बहुत बढ़िया बॉडी अचीव कर लोगे। सुना मोर बोलता सोशल मीडिया करना चाहो तो भाई राम राम भाई सारे ने। तो भाई तड़का का तो टाइम सैक हो ना, टाइम बाद रहे 5। हरी मजा लग रहा निकल अपना दूसरा वर्कआउट कर। पहला वर्कआउट में अपना कराया था गुड़गांव, जो कि मैं अपनी ट्रेनिंग करकाया करूं। और सही बताऊं ने जो का तड़का 5 बजे निकल लिया करें दिल्ली क्रॉस करके, फिर 7 बजे क्लास हुआ करें। तो रिकॉर्ड करने का साची बताऊं कभी खास मन नहीं करता। अरीब भी मैं कहना है बहुत दिन हो गए हैं, ज़्यादा इन रेगुलर नहीं रही दा हूं दा। तो मैं कहा आज बनाए लें थोड़ी सी टाइप जान लग रहे हैं अपने रनिंग करण। रनिंग करण तो पहला गर्तन तरह भी अड़े थी आया था एक वह रोड क्रॉस करूँगा रोड पर बाद में। फिर इतने में वर्कआउट जितना पसीना आ लिया है पर कोई नहीं, ये बता रनिंग करनी है। रनिंग करके फिर प्लॉट करना जाकर उड़े अपने वे क्या मोर बोला था शायद सुना ही नहीं दिया वो। फिर अपने रस्से रस्से मारे थोड़े जो भी करेंगे दिखाते रहेंगे। फिलहाल मैं अपनी रनिंग कर लूँ। भाई रनिंग कर का ली यार, मोर देख ले ये बोल रहा दिखा जिसने ना देखे हो जो भाई शहर सूर मर रहा है पहले वो देख लो भाई मोर। बाकी फोन में देखो तुम असली में तो बिना देख पा रहे। तो ये बुजुर्ग आराम था भाई रनिंग कर थोड़ा सा पैदल चल रहा था रोड पर है। तो भाई बहुत सारे मतलब जितने मेरे तो लोग मिल रहे हैं ना मैंने मतलब ऐसा फील करवा हुआ जिगर मैं उन्हें घर का आदमी हूँ आ रहे तो बहुत खुशी हो गया है। असल में मेरे तो मिलने भी लोग आऊँ जो वो भी सी बात है भाई आता है कि जो चाँव है जो मैंने पसंद करा भी ये लोग मिलना आऊँगे। बाकी बहुत बढ़िया लागर भाई हमेशा ही तरह भाई मैं फिर शुक्र गुजार हूँ थारे थारे इतने सपोर्ट कर इतने प्यार का। सुना मोर बोलता अरे ये देखो अपना ग्राउंड फिलहाल एक उसका रह रहा है पत्ती हरी पूरी घास होगी करेंगे नहीं साफ जल्दी ही हरी अपना रस्सा है। सोशल मीडिया के बारे में एक चीज़ बताऊंगा आज मैं आज आप लोग गाना बहुत तगड़ी जो मतलब जितने तक किए मतलब आज की तारीख में तो हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहे यूट्यूबर बनना चाहे सोशल मीडिया पाना चाहे तो उन एक प्रो टिप दूंगा भाई आज बढ़िया जो जो मतलब सच्चाई है ठीक है हर एक मतलब खाली वह मेरे साथ वह मोस्टली चीज़ जब अप्लाई हुआ है जो करें कि नाम लिया करें अगर आप बॉडी बनाना चाहो उस चीज़ पे भी अप्लाई होगी वह चीज़ तो मैं वर्कआउट निपटा लूँ फिर करेंगे बात इस बारे में। तो भाई थोड़े से रस्से करे थे मैं गर्दन की कंडीशनिंग करना ला कर ये मशीन मशीन तक मतलब ये बेल्ट सी है जो भी क्योंकि गर्दन बहुत ज़रूरी है। ले भाई सूरज भी डुबन लाग रहा है और हम भी अपना वर्कआउट खत्म करके अपने घर चाल पड़े हैं। समरी दे दी वर्कआउट की 10 किलोमीटर रनिंग उसके बाद 2 रस्से मारे थे रस्सा थोड़ा करड़ा हो रहा था जैती फिर आ गया था फिर अड़ा बीम मारी है 20 बीम ठीक है थोड़े डंबल मारे डंबल गणे को और नेक की करी थी 100-150 रेप बस सिंपल सा क्योंकि रिकवरी भी जरूरी है भाई जो प्रैक्टिस में कर ला रहे फिलहाल उसमें दिखने में लागा है 4 मुक्के मार गए जाए पर उसमें बहुत आंगा लागा भाई और बहुत ज़्यादा एनर्जी लागे है और एक रिकवरी थी वगैरह बस सब तमीन चीज़ जो रिकवरी थी वगैरह वह अगर आपकी स्लीप अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है तो आपकी रिकवरी बढ़िया होगी 101%। अरे थोड़ा सा दिखा दो आज घर ये भर रहे अपना भाई मतलब ये भर रहे थोड़ा बहुत पेंट पॉइंट होना बाकी फिर प्रॉपर दिखाऊंगा जल्दी है।
फिलहाल इतना देख लो गेट देख के, इस कमरे रहे, फिर प्रॉपर एक टूर दिखाऊंगा आपने घर का, लगभग कंप्लीट हो गया, एक दो दिन का रह गया है। अरे मैं नहा धो लूँ और खा लूँ पी लूँ, वर्कआउट कर खा लिए हैं, अभी पीऊँगे अपना प्रोटीन। प्रोटीन के ऊपर भी मतलब कॉन्ट्रोवर्सी रही है भाई सारी है ना, तो मैं प्रोटीन पी लूँ पहला फिर बताऊँगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल बलेज गाइस हो जीरो, और मसल बलेज यूज़ करने का मेरा जो मेन रीज़न है भाई यो है कि सब तो ऑथेंटिक प्रोटीन है, जितना इसमें बताया गया उतना अपना प्रोटीन मिल लगा, और जो भी मतलब जितनी भी चीज़ इसमें मेंशन है वे सारी प्रॉपर है, और मतलब वो सारी बहुत सारी क्वालिटी है भाई इस प्रोटीन में, और बहुत सारे बहुत लंबे टाइम तक कंपनी मार्केट में है, अपनी इंडियन ब्रांड है और बहुत बढ़िया परफॉर्म करने लग रही है, बहुत बढ़िया। मतलब इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेक प्रोडक्ट थे जो कर बाहर इम्पोर्ट हुआ था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेकनेस बढ़ गई थी, तो अगर आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए तो आप मसल बलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सको हो, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट थी आप मेरा कूपन कोड यूज कर सको जो कि है अंकित MB, जिस तो भाई आपने भी डिस्काउंट मिला थोड़ा बहुत और मन भी सपोर्ट होगा। और तो भाई देख लियो टीन पड़ रही है गौशाला की, और इस भाई पर जिम्मा है इस गौशाला सारा, और इस जिम मैंने क्यों कर पूरा करेंगे वही बताऊंगे आपने थोड़ा आगे चल के। फिलहाल देख लो आटा मतलब सारी देसी है ना, लगभग ये देसी है, मिक्सिंग है लेकिन देसी ज्यादा है, और ये कितनी गाय होगी आटा है, ये आटा लगभग 700 के आसपास है, गौ माता। या भाई शायद बड़ा ठगामा का उछाला है, देख सको यार सारी टीन पड़ गई है, और आप लोग कैसे हो कर सको इसमें वो ही बताऊंगा आज मैं थोड़ा आगे चल के। यो तूड़ेगा था भाई, और यो सारा देख लो गड़ गया सारा, तूड़ा तड़ा भी आड़ा पूरा गड़ गया। अरे भाई आड़ा ये गौशाला है भीतर है बनया रहा गेवर, ये सारा देसी घी में देसी घी मेरा खांड में, खांड भी प्योर खांड है, और कोयले की भट्टी तो बनाए ना, गैस वूस का नहीं है कोई भी, सारा प्योर के त्योर का नहीं गए, बाहर दिखाऊंगे स्टोली को भाई। यो देख लो भाई खांड तो मीठा कर ला रहे इसने, खांड भी प्योर खांड है। रोड है दिल्ली रोड, ये बोर्ड दिखता हुआ आपने अटगामा का उछाला है, इसके बाहर या दुकान है या आप देख सको बोर्ड पर लिख रहे जो भी कुछ है। हरियाणा है समोसा सामोसा भी के तेल का समोसा ने रसम के तेल का समोसा 5 रुपया का भी, 5 का होगा ना, 5 का है भाई भी देख लो आप भाई। आप एक बात सोचते हो गए कि गौशाला का घेवर का ये मतलब ये बात है कुछ सूट सी ना हुई, तो आप सबने एक बात बता दूं, जो घेवर बने वो सारा ऑर्गेनिक है, सारा आपकी सेहत ही बढ़िया है, और तो दूसरी चीज है भाई राकेश भाई जो इसने चलावे है सारे ने, ये जो ये घेवर की कमाई है सारी को सलामदान करे, इस पर भाई ने लिख भी रखा है 2021 जून 24 ती ले गए ने इतना दान कर दिया गौशाला में 58,47,000 रुपये, और इस साल का टारगेट भाई का 15 लाख रुपये है, 15 लाख रुपये दान करें। तो भाई इसमें आप लोग सपोर्ट किए कर सको, घेवर तो देखो सब खावे सीजन में, बस नू है भाई बढ़िया चीज़ खाई जाएगी थारे पे, यार गऊ का दान भी हो जाएगा तो दोनों चीज़ बढ़िया हो जाएगी भाई, और आप आ सको हाड़ा आगे। एड्रेस एक बार बोल कर बता दो, दिल्ली खरखुदा रोड अठगाम गौशाला सैदपुर खरखुदा सोनीपत हरियाणा, और ना एड्रेस पाओ तो ये नंबर रहे भाई अड़े थे कर सुबह भाई दौरा तुम फोन। तो यो भाई प्लॉट का काम चल रहा है, टीन टा नहीं पड़न लग रही है, उड़ा जिन्ना चढ़ लग रहा है, दिन में दिखाऊंगा घर लाले ब्लॉक में दिखाऊंगा प्लॉट में क्या बना ला रहा है, मतलब बड़ा एक थोड़ा सा अपना सेटअप सा लगाऊंगा जो पिछले प्लॉट में था ना वर्कआउट करने का आड़ा बनाऊंगे। तो भाई थोड़ी सी बात कर ले, बाकी मैं थक रहा हूँ, मेरी आवाज़ तो लगता होगा और थोड़ा सा सर भी भारी हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, जो ज़्यादा वो हो गया कि अगर उसने डिहाइड्रेट हो गई बॉडी, बाकी पानी पीने लग रहे हूँ मैं और हो जाएगा। और एक चीज़ और भाई देख भाई उबेर आ गए, बहुत सारे लोग मैंने इन चीज़ों पर जज भी करेंगे, तो जो फैक्टर है मैं तो वही बात कहूँगा भाई, इसमें अगर किसी ने बुरा लग गया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सच्ची बताऊँगा ना। इबे एक चीज सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है, कम 100 रुपये में बॉडी बना देंगे, फ्री में बॉडी बन जाएगी, रोटी खाई तो बॉडी बन जाएगी खाली, तो भाई एक नहीं मतलब आप 50% या पास सांस है, अगर आप खाली रोटी भी खा रहे हो आपकी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि बॉडी का एक मैकेनिज्म होगा उसने अगर आप करन लग ले तो वो बनेगी, पर एक एथलेटिक बॉडी तो उसकी तो बहुत सारी चीजें मैटर करे भाई है ना। और
एक फिर मेरे ऊपर एक क्या कह रहे उसने एलिगेशन उठा रहा है अंकित भैया भैया गरीबी को दिखाकर फेमस होया है और वो अपने डब्बे डब्बे के वो करना क्या बाकी बात पर मैंने क्लैरिफिकेशन पर लग दी रखी है ना। और पहला बादाम पिया तो बादाम भाई मैं भी पीऊ हूँ। एक चीज और क्या करा कि भाई सब प्रोटीन थोड़ी ले सके भाई बिल्कुल कभी सच्ची बात है सब प्रोटीन ले सकते। एक साल पहला मैं भी भाई मतलब जो मैंने क्या नाम लिया करा जब गेम गाम की तैयारी करता जब मैं यूज करता प्रोटीन अदरवाइज मैं भी यूज नहीं करता। ये मैं कैपेबल होता मैं ले लू हूँ क्योंकि मैंने जरूरत भी है भाई फालतू है ना मेरे न्यूट्रिशन वैल्यू ना पूरी हो पाती ना मैं उतना खा पाता क्योंकि बहुत सारी चीज मेरी गला जुड़ गई है। एक मतलब पहला उस तो बताऊंगा भाई अगर आप कोई भी मतलब एक छोटा बच्चा ही बादाम पिया हुआ ना तो कम से कम भी वो भी भाई दो टाइम वर्कआउट करने की बात कर रहा हूँ मैं वो भी मतलब 3-4 किलो बादाम पी जाओ बड़ा 5-6 किलो पी जाओ बादाम मिनिमम बताऊँ उसकी गला जो ठंडाई हो अगर वह अभी कॉस्टली है उसमें सौंफ मगज खसखस इलायची काली मिर्च गुलाब की पंखुड़ियाँ मतलब ये कोई सस्ती चीज़ है ना 5 रुपये किलो आवे हैं ये सारी एक्सपेंसिव चीज़ है भाई इलायची का रेट काली मिर्च का रेट पता करोगे आपने मेरा पड़ जाएगा। तो बादाम है जो गुरबंदी बादाम जो मेन यूज हो रहा है ये भी बहुत सारे के यूज कर ले वो के नाम ले कर रहा है एक बड्डी गिरी हो रहा जो मीठे वाली वह हो रहा है अमेरिकन गिरी ठीक है बोता ने बादाम रगड़न का तो बेरा इन्हें बेरा गिरी कौन सी यूज होया कर तो भाई बादाम में जो गिरी यूज होया कर वह छोटी गिरी यूज होया कर जिसने हम गुरबंदी कहा करें और एक उस तो ऊपरली जो एक और कैटेगरी होया कर बादाम की वह होया कर मामरा जो बादाम टेढ़ा मेढा होया कर ये मोस्टली ये बादाम भाई अफगानिस्तान में उगाए जाए भारत इम्पोर्ट होया कर ये तो वो बादाम भी भाई 800 से 1000 रुपये किलो के बीच में वो बादाम ठीक है तो 800 मतलब लमसम आप खांड पांड सब उसमें ला गए लमसम 4000 रुपये के करीब पोचोगे खाली बदामा खर्चा ठीक है। फिर बात करेंगे भाई मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ बिना सप्लीमेंट की डाइट के बादाम हो गए फिर दूध भाई कम से कम किलो तो चाहिए छोटा बालक हो चाहे अडल्ट मतलब किलो दूध तो मेरे हिसाब से चाहिए 2100 रुपये ये हो गए। अरे इसे भाई थोड़े बहुत फल फ्रूट भी खाने पड़े खाली इनमें तानना बाजे ठीक है घी हो गया जिसके घर का है ना भाई उसका भी खर्चा हुआ है पर वह चीज नुआ है उसमें दिखता को नहीं और जिसके घर का ना है भाई उसका तो कहना है कि है भाई तो घी भी है जो भाई मोटा मोटा 1000 रुपये किलो है ना मिल जा जब की बात है मिलता को ना बाकी मिल जा जब की बात क्योंकि भाई गामा में भी आजकल कोई डांगर रखा जीना है सब अपने ठेलिया दूध भी भगवान के भजन गाँव है तो वो एक काम हो रहा है क्योंकि बेरा कि एक चीज में बदलाव जो बहुत ज्यादा आया लोग कम्फर्ट करने ज्यादा बाज गए हैं और अपने काम ना करने भूल गए अपने रूटा ना भूल गए वे उस लेवल पर काम नहीं कर पाते। देख भाई इस चीज में ना मैं खुद ने भी काउंट करूं कि भाई मैं एक टाइम पता मैं बहुत करता था उसके मुकाबले में आज के टाइम में 10-20% मेहनत करता हूँ उस टाइम के मुकाबले में तो कितना कितना चीज तो भाई चेंज हो गए है ना पर होनी नहीं चाहिए आदमी ने मेहनत करनी चाहिए बल्कि हालांकि मैं ठीक ठाक करूं मैं नजुकर आज भी मैंने उड़ा 1.5 घंटा उड़ा करी होगी स्पैरिंग की और फिर 10 किलोमीटर रनिंग रस्सेरा से और भी आगड़ा बतेरा करा था। तो ये जुकर आपने जो भी लोग नुका है ना भाई कि रोटी खा लो और अपना पाई 1/2 किलो दूध मतलब उसका पी लो दो टाइम अपनी दही ने तोड़ो और आपकी बॉडी बन जाएगी ये और वो होता है भाई की बॉडी बिहारी की भी हो जो एक मजदूर हो बॉडी भाई मेरा आपा की भी थी हमारे कुणबे में और भी बतेरे उनकी भी थी है ना पर उस बॉडी में हर एक उस बॉडी में फर्क हुआ है एक मजदूर की बॉडी में हर एक उसी बॉडी में फर्क हुआ है। अगर आप मतलब बहुत कम डाइट में बहुत मेहनत करने लग रहे हो ना तो भाई आप बहुत बढ़िया बॉडी अचीव कर लोगे हालांकि उतना मसल मास नहीं अचीव कर पाओगे पर आप बॉडी बढ़िया अचीव कर लोगे इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत सारे बिहारी भाई देखे होंगे जो काम करना आ रहा है उनका दिन प्रोपर गड्ढे और 6-पैक पाया करें उनकी तो कुछ डाइट भी को ना सामने अपना बढ़िया पोवा मार के सुहा फिर भी पर इसका साइड इफेक्ट की है भाई कि भाई वे उनकी उम्र भी उतनी है ना उनकी उम्र ज्यादा ना होती मैंने भाई कोई बिहारी ज्यादा लंबा जीता ना देखा उनका बुढ़ापा बहुत गंदा है भाई बुढ़ापे तो पोस्ते को असल में और उन जितनी मेहनत हो को भाई वे बहुत मेहनती बालक है
बहुत मेहनती है भी अपना घर छोड़ गा तो मेहनत करती है छोड़ गा जो कर अपने आले भाई बाहर देशा में जावे भी थोड़ा थोड़ा घंटे की शिफ्ट लगावे है खान की सोदी ना और कह की सोदी तो समझने की बात बस यह इतनी सारी चीजें बताने चक्कर मेरा बस मेन मोटिव यह होता भाई देख सब आपने यह चीज बताने लग रहे कि भाई आप सस्ते में बॉडी क्यों कर बना सको पर कोई भी आप लोगों ने यह चीज क्यों ना बताता कि भाई बॉडी सस्ते में नहीं बनेगी आपने कमाना पड़ेगा जो कि रूल मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई कराया था मैंने मतलब पिछले मतलब जब मैं जॉब कराया था उसके मतलब एक डेढ़ साल पहले था मैं घर खर्चा देने लगा था उससे पहले मैं कोई खर्चा ना दिया करता वो खर्चा भी क्यों देना पड़ा था कि भाई गए थे ब्याह करवा ले ये कर ले वो कर ले मगर भाई रोटी खानी है ना तुमने तब मेरे तलिफ दो मैं ले आकर दूंगा सामान ये ब्याह भी वाला चोतला भाई फिलहाल उन्हें चाहिए नहीं अपने जीवन में ना मैं जो कमाल ला रहा था मैं अपने ऊपर स्पेंड करने ला रहा था भाई मैं 15-20 हजार मैंने जोमेटो के टाइम में 25-25 हजार भी मैंने मंथली कमाए हैं तो कमाने वाले थी तो भाई घाटा है नहीं पर आज की जनरेशन में जो मेन प्रॉब्लम यह हो रही है भाई सबने कमाना है और शॉर्ट में कमाना है मेहनत नहीं होनी चाहिए उसमें और मैं कामयाबी का मतलब एक सिमिलर चीज है कि मतलब हर बंदा ने हर बंदा उस प्रोसेस तो होगा गुजर रहे हैं जो प्रोसेस मतलब किसी भी फील्ड का हो हर आदमी उस एक मतलब एक सर्टेन टाइप है वो बहुत अकेला रहा है जब जाके उसने अपने भीतर का नुबेरा बाटा के करना और के नहीं करना क्योंकि जब ती आप ग्रुपा मांडे जाओगे तो बैठ का मनोका पीन ला रहे हो खिलखिलान ला रहे हो तो भाई तुम अपने बारे में क्या जानोगे के तुम मेहनत करोगे के तुम सोचोगे भाई आगे के करना के ना करना है ना तो ये समझने की बात है भाई बाकी मैं इतना बड़ा ज्ञानी ना हूं बस भाई आज की वीडियो में इतना ही था थोड़ी बहुत समझ में आई हो तो जब बाकी ना तो भाई आजकल सब अपने दिमाग तो चल ले रहे हैं और सोशल मीडिया की एक और बात बताऊं अगर सोशल मीडिया करना चाहो तो भाई टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई किसी वाला वीडियो बनाएगा कोलैब कर कोई ना बना बात अगर आपने कोई नू दिखा है ना कि भाई थोड़े टाइम में कामयाब हो गया तो भाई उसकी एक बार हिस्ट्री चेक करके देखियो हालांकि भी इससे को सोशल मीडिया पर आए एक साल होया हो उसने पर उसने अपने पीछे जो प्रोसेस था वो पूरा कर रहेगा कुछ भी वो 5-10 साल का हरियाणा में कहावत कहा है 12 साल में तो कुर्डी के भाग जाग जा रहे हैं मतलब टाइम हर चीज ना लाग गए हैं तो वो कुछ भी हो अगर आप एक चीज का टाइम दोगे तो वो आपकी चीज सक्सेसफुल होगी बस मन में विश्वास होना चाहिए और भगवान पर विश्वास होना चाहिए सब कुछ होगा बस भाई आज की वीडियो ब्लॉग नहीं अड़े करेंगे एंड रहते रहते फेरे के बाद कहूंगे बोले बाबा जी से किसी में दम नहीं देसी किसी दम नहीं बोल शंकर भगवान की जय।